दोस्तों हिंदी सिनेमा जगत के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं कि बॉलीवुड के दिग्गज नामों में शुमार इरफान खान का इंतकाल हो गया। दोस्तों ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं की अजीब शरीफ की है जिसे लॉकडाउन की वजह से मुट्ठी भर लोग ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों ये इत्तेफाक है कि 3 दिन पहले ही उन्हें जन्म देने वाली उनकी माँ सईदा बेगम की भी मौत हो गई और अब इरफान भी हमें अलविदा कह गए। दोस्तों बताया जाता है कि इरफान की माँ के साथ उनका गहरा रिश्ता था जिसे वो कई बार इंटरव्यू में व्यक्त कर चुके हैं। एक इंटरव्यू में इरफान ने अपनी माँ के लिए मुनव्वर राना का एक शेर भी पढ़ा था जो उनके माँ और उनके एक साथ जाने के इत्तेफाक को और दोनों के गहरे रिश्ते को बयां करता है। दोस्तों ये शेर था, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। इस शेर की लाइनों को लेकर उनके जानने वालों का कहना है कि इरफान शायद जानते थे कि उनकी माँ की दुआएं उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और शायद उनके गुजरने के बाद अकेली कश्ती में सवार इरफान अकेले हो गए थे जिसे सैलाब ने निगल लिया। दोस्तों इरफान का एक छोटे शहर से हॉलीवुड और उसके आगे तक का सफर बहुत ही कठिन रहा है जिससे बहुत ही कम लोग जानते हैं, पर दोस्तों हम आज आपको इस सफर का पूरा चेहरा दिखाने वाले हैं। शुरुआत होगी 1988 में मीरा नायर की हिट फिल्म सलाम बॉम्बे से। इस मशहूर फिल्म में एक सीन है जहां सड़क किनारे बैठे लोगों की चिट्ठियां लिखने वाले एक लड़के का चंद सेकंड का डायलॉग है, पर असरदार है क्योंकि इसे निभाया है हमारे इरफान खान ने। इस सीन के डायलॉग कुछ इस तरह है, बस बस 10 लाइन हो गया, आगे लिखने का 50 पैसा लगेगा, माँ का नाम पता बोल। यही पहली दफा लोगों ने इरफान खान को पहली बार पर्दे पर देखा और भूल भी गए, पर किसी को क्या पता था कि यही अभिनेता आगे जाकर भारत ही नहीं दुनिया भर में नाम कमाएगा। अब दोस्तों थोड़ा इरफान के बचपन की ओर चलते हैं। इरफान का जन्म 1966 में एक छोटे कस्बे टोंक में हुआ था और यही उनका बचपन भी गुजरा। इरफान बचपन से ही किस्से कहानियों के शौकीन थे जिससे उनका झुकाव सिनेमा की तरफ हो गया। नसीरुद्दीन शाह को भी यहाँ थोड़ा क्रेडिट जाता है क्योंकि उनके ही पिक्चर देख देख कर इरफान ने यह तय किया कि उन्हें आगे सिनेमा से जुड़ना है। एक इंटरव्यू में इरफान ने एक किस्सा सुनाते हुए बताया, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म मृगी आई थी तो किसी ने कहा तेरा चेहरा मिथुन से मिलता है, बस अपने को लगा कि मैं भी फिल्मों में काम कर सकता हूँ। कई दिनों तक मैं मिथुन जैसा हेयर स्टाइल बनाकर घूमता रहा। पर दोस्तों आगे हम सब जानते हैं कि इरफान के डायलॉग डिलीवरी स्टाइल ने अपना अलग ही ट्रेंड सेट कर लिया। दोस्तों ट्रेंड सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी पिक्चर में भी चला। हॉलीवुड में लाइफ ऑफ पाई, द नेम सेक, स्लम डॉग मिलियनेयर से लेकर सुपर हीरो मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में इरफान की अदाकारी ने नए झंडे गाड़े और क्यों ना, चाहे आंखों से अभिनय करने की उनकी अदाकारी हो, संवाद बोलने का अपना तरीका हो, रोमांटिक रोल से लेकर बीहड़ के डाकू तक बन जाने की उनकी क्षमता उनकी अदाकारी का एक ऐसा खूबसूरत तालमेल है जो कम ही देखने को मिलता है। पान सिंह तोमर में डकैत का रोल और उसमें जिस तरह से उनका वो डायलॉग कहना बीहड़ में तो बागी होते हैं डकैत तो पार्लियामेंट में है, ये यकीन दिलाता है कि उन्हीं की बात सही है जिससे सिनेमा हॉल में मौजूदा हर इंसान हाँ में हाँ मिलाता है और तालियां बजाता है। दोस्तों आपको बता दें कि 2012 में आई इस फिल्म के लिए इरफान खान को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। एक ही फिल्म नहीं है दोस्तों, शाहिद स्टारर पिक्चर हैदर याद है आपको, उसमें इरफान का किरदार रुदार जो कहने को तो एक भूत है पर आपको ये यकीन दिलाता है कि वो असल में असली है और आपकी ही जमीर की आवाज़ है। या मकबूल की ही बात कर लीजिए, जब इरफान जिनका नाम मकबूल ही था बाजी का कत्ल कर उससे तो पीछा छुड़ा लेता है पर ग्लानी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो सीन जहां इरफान और तब्बू को अपने साफ हाथों पर भी खून के धब्बे नजर आते हैं बिना कुछ कहे ही इरफान उस कैरेक्टर के भाव को हम तक खामोशी से पहुंचा देते हैं। उनकी अधिकारी का एक और नमूना लीजिए, जब फिल्म जज्बा में वो ऐश्वर्या से कहते हैं कि मोहब्बत है इसलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बहाव में होती, तो इससे अच्छा आशिक और सच्चा आशिक होने की पहचान शायद ही दूसरे अभिनेता आप तक पहुंचाए होंगे। ऐसे ही लंच बॉक्स का साजन फर्नांडिस शायद उनका निभाया सबसे प्यारा किरदार होगा। एक लंच बॉक्स और उस डब्बे में भेजी चिट्ठियां और 2 लोगों के प्रेम कहानी जो कभी नहीं मिले। इरफान ने साजन फर्नांडिस को जिस नजाकत से निभाया वो एक्टिंग की मास्टर क्लास ही समझी जा सकती है। ये फिल्म दोस्तों कान फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी। दोस्तों इरफान के कई ऐसे किरदार हैं जो उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट से उठाकर असल जिंदगी में उन्हें जिंदा कर दिया है। पर दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इरफान खान ने अपनी करियर में फ्लॉप फिल्में नहीं की हैं, पर दोस्तों उन्हीं का एक इंटरव्यू में कहना है कि जब तक इंसान सही गलत के प्रयोग से नहीं गुजरेगा वो समझेगा कैसे। उनकी इस तकनीक की मिसाल मिलती है स्लम डॉग मिलियनेयर पिक्चर से, जहां उनका रोल काफी छोटा जरूर था पर सीखने को काफी कुछ मिला उन्हें भी और उन्हें देखने वालों को भी। इसलिए शायद असीम ने उनके ऊपर एक किताब लिखी है, किताब थी इरफान खान द मैन द ड्रीमर द स्टार। दोस्तों मार्वल स्टूडियोज की एवेंजर फिल्म तो आपने देखी ही होगी। एवेंजर की सुपर हीरो टीम में एक हीरो है जिसका नाम है हल्क, जो ब्रूस बैनर है, जिन्हें जब गुस्सा आता है तो वो हरे भरे हल्क में बदल जाते हैं। दोस्तों इस किरदार को निभाया है एक्टर मार्क रफेलो ने, जिनके इरफान खुद बहुत बड़े वाले फैन हैं। साल 2010 में इरफान खान न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, सामने वाली टेबल पे उन्होंने हॉलीवुड एक्टर
मार्क रफेलो को देखा। और दोस्तों तब इरफान एक फैन की तरह उनसे मिलना चाहते थे पर झिझक रहे थे, पर इतने में मार्क खुद सीट से उठकर आए और इरफान से बोले, मैंने आपका काम देखा है स्लमडॉग में और बहुत उम्दा काम है आपका। दोस्तों ये अजीब इत्तेफाक है कि जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD में इरफान पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्हें उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मिल गई थी। मीरा नायर ने उन्हें सलाम बॉम्बे के लिए एक बड़ा रोल के लिए चुना था। वो बॉम्बे आकर वर्कशॉप में भी शामिल हुए और 2 दिन बाद उन्हें कहा गया कि वो फिल्म का हिस्सा नहीं है। ये जानने के बाद वो रात भर रोते रहे। बदले में उन्हें छोटा सा रोल दिया गया लेकिन इसका कर्ज मीरा नायर ने 18 साल बाद इरफान खान को द नेम सेक में अशोक गांगुली का रोल देकर चुकाया। इस रोल को देख के बाद शर्मिला टैगोर ने इरफान खान को ये मैसेज किया था कि अपने माँ बाप को शुक्रिया कहना आपको जन्म देने के लिए। पर दोस्तों आज ये दिग्गज सितारा हमसे कहीं दूर जा चुका है और शायद हमें आने वाले समय में कोई दूसरा इरफान खान नहीं मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल DHFF अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।